What's up people? कैसे हैं आप लोग? I'm sure बहुत अच्छे होंगे. So welcome to my channel. मैं हूँ आपकी प्यारी host और दोस्त प्रियंका. So guys, आज मैं अपने channel में आपके लिए लेके आई हूँ homemade body lotion. इसे मैं भी use करती हूँ. क्या है कि अभी winter का time चल रहा है, तो generally लोगों को dry skin, rough skin की problem हो जाती है. तो ये बॉडी लोशन जो है ड्राई स्किन पे तो इफ़ेक्टिव होगा ही होगा, और अगर आप डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे तो ये आपकी स्किन को इवन टोन करेगा और इसको मॉइस्चराइज भी करेगा. जैसे हम लोग मार्केट से जो प्रोडक्ट लेकर के आते हैं वो थोड़ी देर बाद में अपने आप ही ड्राई हो जाते हैं. आपको कुछ टाइम के लिए तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो अभी मेरी स्किन ड्राई नहीं है, बट आई थिंक हाफ एन आवर या यू कह लीजिए 45 मिनट्स बाद में ही आपको ऐसा फील होने लगता होगा कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है. और ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आप हर जगह कहीं पे भी जाकर के बॉडी लोशन लगाना शुरू कर दें. सो ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, और इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो अगर आपको किसी भी शॉप पे बहुत ईजिली मिल जाएंगे, और आई थिंक आपके घर पे भी इंग्रेडिएंट ईजिली अवेलेबल होंगे. तो आप इस चीज़ की बिल्कुल मत टेंशन लीजिए कि मैंने इसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं जिनको आपको ढूंढने के लिए बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है. ऐसा कुछ नहीं होगा. बहुत ही आई थिंक मैंने इसमें सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं. आप इसे यूज़ करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बॉडी लोशन लॉन्ग लास्टिंग है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, इवन टोन करेगा, और आपको अच्छा भी लगेगा. मतलब बहुत कम क्वांटिटी में आप बहुत ज़्यादा स्किन का एरिया कवर कर सकते हैं इस बॉडी लोशन के साथ. और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि आपको एटलीस्ट पता होगा कि आपके बॉडी लोशन में क्या क्या चीज़ें हैं. जो मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो आपकी स्किन के टेक्सचर को और अच्छा और बेटर बनाने में हेल्प करेंगे. ये बॉडी लोशन हर कोई यूज़ कर सकता है, चाहे आपको बच्चों को भी यूज़ करना होना तो सबसे बेस्ट है. क्योंकि आपने इसे घर में बनाया तो आपको इस चीज़ की तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि इसमें कोई केमिकल्स हैं जो बच्चों की स्किन पर हार्मफुल होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है. तो इसे कोई भी यूज़ कर सकता है. बॉडी लोशन हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ सॉफ्ट भी रखता है. आप ये बॉडी लोशन को नहाने के बाद डेली लगाएंगे ना, तो आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा कि आपकी स्किन सॉफ्ट भी होगी और मॉइस्चराइज भी रहेगी. वैसे मार्केट में तो बहुत सारे बॉडी लोशन मिलते हैं, मगर वो बॉडी लोशन महंगे होने के साथ साथ उनके अंदर बहुत सारा केमिकल भी होता है. कैसे जो मार्केट में मिलने वाले बॉडी लोशन्स होते हैं वो इतने लंबे समय तक चलते हैं किसी को नहीं पता. मुझे भी नहीं पता था, बट मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च किया और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, तब जाके मुझे पता चला कि ये जो बॉडी लोशंस हैं इनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि इतने लंबे टाइम तक उन्हें ख़राब नहीं होने देते. वो केमिकल्स ही होते हैं, और ये केमिकल्स हमारी स्किन पे, जब तक हम यंग हैं तब तक तो हमारी स्किन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं नज़र आता, बट जैसे जैसे हमारी एज होती है ना, इन केमिकल्स का इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाता है. तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि एक बार ही आप ये बॉडी लोशन यूज़ करें, क्योंकि विंटर का टाइम चल रहा है, इसलिए मैंने इस बॉडी लोशन को आपके साथ में शेयर किया है. जिनको ज़्यादा ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होती है, आप ये बॉडी लोशन यूज़ करके देखेंगे, आपको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होना सॉल्व हो जाएगी. तो आप एक बार यूज़ करके देखिएगा, आपको आई एम श्योर आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा. मैं आपको फिर से बता दूँ कि ये बेसिकली विंटर के लिए बॉडी लोशन है. ये देखिए, ये है वो बॉडी लोशन जो मैंने जस्ट बनाया है. मैंने इसमें बस थोड़ी सी क्वांटिटी ली इस बॉडी लोशन की और अपने पूरे हाथ को कवर कर लिया. आप इस बॉडी लोशन को एज अ हैंड मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हैं. चलिए अब स्टार्ट करते हैं बॉडी लोशन बनाना. तो बॉडी लोशन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल. वन टेबलस्पून कोकोनट ऑयल. वन टेबलस्पून ग्लिसरीन. वन टेबलस्पून कैस्टर ऑयल.
और दो विटामिन ई के कैप्सूल। ये विटामिन ई के कैप्सूल्स आपको किसी भी मेडिकल शॉप में इजीली मिल जाएंगे। अब मैंने जितने इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं ना, उनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगने वाला है क्योंकि इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं उन्हें मिक्स करने में बहुत टाइम लगता है। वैसे इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट आपको इसे अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये क्रीमी फॉर्म में चेंज हो जाए। तो हमारा बॉडी लोशन बन करके रेडी हो चुका है। तो इसका क्लोज लुक मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि मैं इसकी क्वालिटी आपको दिखा सकूं कि कितना स्मूथ और सॉफ्ट है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये लोशन आपको कैसे अपनी स्किन पे अप्लाई करना है। आपको इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैलता है, इसलिए ज़्यादा मत लीजिएगा, थोड़ी सी लीजिएगा और अपने स्किन पे ऐसे ही मसाज करते हुए आपको पूरी स्किन पे लगाना है। जब तक ये बॉडी लोशन अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता ना आपकी स्किन पे, तब तक आपको ऐसे ही मसाज करते रहना है। आई होप कि मेरी ये होम रेमेडी आपके लिए यूज़फुल और वैल्यूएबल होगी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में यूज़ करके ये बॉडी लोशन कि आपको कैसा लगा। तो अगर आज का ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।